हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं खुशबू, आप सभी कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और सुबह सुबह मैं कहाँ चली, ये वीडियो में देखना, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है, वीडियो स्किप मत करना। सो फ्रेंड्स, यहाँ सुबह मैं आई हूँ मिर्चा तोड़ने के लिए, और ये एक मेरा छोटा सा प्यारा सा गार्डन है जिसमें हमने ये मतलब पेड़ लगा रखा है मिर्चा का। तो मैंने सोचा चलो आज आलू पराठा बनाते हैं, तो पेड़ में मिर्चा मैंने देखा था तो मैंने कहा चलो मैं उसे ही तोड़ लेती हूँ और आप लोगों के साथ अपना ब्लॉगिंग भी शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब मिर्चा जितना मुझे ज़रूरत था मैंने उतना तोड़ ले रही हूँ, और जो छोटे छोटे थे मैंने उसे रहने दिया कि बाद में तोड़ूँगी। तो मुझे जितना ज़रूरत था मैंने उतना तोड़ लिया। तो मैं अब जा रही हूँ, और यहाँ एक कपड़े थे तो मैंने उसे भी ले लिया, हमारा सूख चुका था। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में और मैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि आज मुझे आलू के पराठे बनाना था तो इसीलिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दें, प्यार दें। और जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम मुझे सपोर्ट करें, ढेर सारा प्यार दें। और कुछ भी अगर मिस्टेक लगता है मेरा ब्लॉगिंग में फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ फ्रेंड्स, हमारा आलू बॉयल हो चुका है और हमने उसे अच्छे से मैश कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आलू के पराठे तो बहुत सारे लोग अपने अपने स्टाइल में बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे इसे भून के ही बनाना पसंद करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और जो भी चोखा फिर लास्ट में बचता है तो मैं उसे मतलब आलू चप या कुछ भी मतलब सैंडविच वगैरह बना लेती हूँ। तो आप लोग क्या बन करते हैं उसे मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ मेरा लगभग चोखा भून चुका है और यहाँ पे मेरा जो भी काम था तो भी मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो जो अभी मैं किचन में ही मतलब इसी में ही लगी हूँ, तो उसके बाद ही मतलब बाबू भी आया, मम्मा क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा बेटा आलू मतलब भून गई, तो बोला क्या बनाओगे आप? तो मैंने कहा कि आज बेटा आलू के पराठे बनाएंगे। तो उसने कहा भी मुझे कि मम्मा मुझे नहीं खाना। मैंने कहा क्यों बेटा? तो उसने कहा नहीं मुझे तीखा लगता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके लिए प्लेन बना दूँगी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मेरा चोखा देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे इसे बनाने के लिए हमारा। और उसके क्या है फ्रेंड्स, मैं ना लोई छोटा लेती हूँ और आलू मुझे ये भी बोलते हैं कि तुम थोड़ा ना छोटा बनाया करो रोटी, लेकिन मुझसे बनते ही नहीं है। मतलब उसमें आलू बिल्कुल एकदम स्टफिंग में मतलब क्या बोलूँ, ज़्यादा डाल के बनाना पसंद करती हूँ। और मेरा बेटा भी आ गया मेरा हेल्प करने के लिए, ये तो क्या बोले मेरा हेल्प के बिना तो रह नहीं सकता है। तो इसलिए बोला कि चलो मम्मी भी काम करिए तो मैं भी चलता हूँ, साथ में मम्मा का काम कर देता हूँ। वैसे तो उसे बदमाशी करने को भी मौका मिल जाएगा, वो भी अपना साइड में छोटा छोटा चिड़िया मतलब जो भी उसे मन करता है वो बनाते रहता है। हम बना रहे हैं ये ला नया पराठा। नया मम्मी बेटी, हम नया तकरीचा पराठा बनाना सीख। हाँ, गुड 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 गुड। छोटा छोटा मेरा होगा, छोटा छोटा मेरा। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरा देख सकते हो आलू का पराठा और कैसा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक एक करके सेक रही हूँ इसे, और काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे तो मुझे तला हुआ काफ़ी पसंद है, लेकिन अब अकेले तलना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो सबके लिए जब सेक के बना रही हूँ तो अपने लिए भी सेक के बना ले रही हूँ। और मेरा बेटा उधर से कुछ मतलब मैं जो भी उसे कुछ आ रहा था वो बोल रहा था। नहीं करूंगी।
अभी हम लोग किचन में ही है, वरना दिखा लीजिए साफ है ना मी साफ है ना हाँ साफ है तेल नहीं डालो ना बेटा बर्बाद हो रहा है ना पूरा लग जाएगा उसमें मेरी सुंदरी बाय 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 मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग हो गया लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।